हरियाणा में नकल रोकने से गिरा बोर्ड रिजल्ट प्रतिशत। शिक्षा मंत्री ने प्रश्न पत्र में QR कोड बताई वजह, कोरोना काल का भी दिखा असर। हरियाणा में 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। इस पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तीखी प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि इस बार सरकार ने नकल पर प्रभावी अंकुश लगाने का काम किया है। प्रश्न पत्र में QR कोड जैसी तकनीकी अपनाकर बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने का काम किया गया है। इसके साथ ही कोरोना काल के कारण भी परीक्षा परिणाम के प्रतिशत में कमी आने की वजह रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है, जल्द ही बोर्ड रिजल्ट सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम आ चुका है। इस बार परीक्षा परिणाम पिछले साल के मुकाबले करीब 6% कम रहा है। इस साल 12वीं का परीक्षा परिणाम 81.66% रहा, जबकि पिछले साल का परीक्षा परिणाम 87% से ज्यादा था। 12वीं के मुकाबले 10वीं के परिणाम ज्यादा खराब रहे। इस परीक्षा में पिछले साल के मुकाबले रिजल्ट प्रतिशत में 7% से अधिक की कमी आई है। 12वीं की परीक्षा में 257,116 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 209,933 पास हुए तथा 47,183 परीक्षार्थी फेल हो गए। इस परीक्षा में 125,696 प्रविष्ट छात्राओं में से 109,491 पास हुई। इनकी पास प्रतिष्ठता 87.11 रही, जबकि 131,420 छात्रों में से 1,442 पास हुए। इनकी पास प्रतिष्ठता 76.43 रही। इस प्रकार छात्राओं ने छात्रों से 10.68% ज्यादा पास प्रतिष्ठता दर्ज कर बढ़त हासिल की है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।